ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 248 कियन्तं कालमिति चेत् खेदोयं द्वैतयिष्यतां खेदोयं द्वैतमिष्यतां अद्वैते तु न युक्तोयं अद्वैते तु न युक्तोयं सर्वानर्थनिवारणात् क्षुत्पिपासादयो द्रष्टाः यथा पूर्वं मयीति चेत् मच्छब्दवाच्यहङ्कारे दृश्यतान्नेति को वदेत् कियन्तं कालमिति चेत् ये शास्त्र अध्ययन करना परमात्मा की भक्ति करना कियन्तं कितने काल तक ये करना है हम उब जाते हैं
तो विद्या मुनि कहते हैं अगर आपको उबना ही है तो ये द्वैत से उब जाइए आप, अद्वैत तो आप स्वयं है, अद्वैते तु न युक्तोयम। ये बोर हो जाना, उब जाना, ये अद्वैत के लिए नहीं, क्योंकि ये आप ही है। सब लोग अपने आप को ही प्रेम करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हम देख के गए आगे कि जो भी कुछ हमको प्रिय है वो आत्मा के लिए है। ये जगत में सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो आप स्वयं आत्मा है। यू लव योर सेल्फ, आप अपने आप को ही प्रेम करते हो। लेकिन आपका जो अहम है आपने देह में रख दिया है और इसलिए देह से आप प्रेम कर रहे हो। आपने अपने आप को इंद्रिय में रख दिया है और इसलिए आप इंद्रिय से प्रेम करते हो। आप समझे, जो प्रेम है वो तो अहम के लिए ही, अहम के लिए ही है। और इसीलिए आत्मा ही सबसे प्रिय है, और जब आत्मा सबसे प्रिय है तो उससे उबने की तो कोई बात ही नहीं है। अब समझो, और जो प्रशंसा हो रही है, आप कूटस्थ है, आप असंग है, आप निर्विकारी है, आप सर्वव्यापी है, आप आनंद स्वरूप है, आप परमानंद स्वरूप है, तो ये सब आपकी ही बात हो रही है। और इसीलिए अद्वैते तु न युक्तम, विद्यार्ण मुनि कहते हैं अद्वैत में उब जाने की बात करना ये योग्य नहीं है। अब समझो क्यों, सर्वानर्थ निवारणात्, क्योंकि यही ज्ञान है, यही आप है, जी जो ज्ञान से आपके सर्व प्रकार के अनर्थ की, प्रतिकूलता की, दुख की, शोक की, सर्व की निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए आत्म ज्ञान से कभी भी उबना होता नहीं है। आप समझो, तो बोले वो तो ठीक है, चलो वो हो गया, लेकिन ज्ञान के बाद भी, अब देखो मैंने आगे भी कहा, व्यवहारिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो ज्ञानी और अज्ञानी जो है समान है। हम भी जागते हैं, ज्ञानी भी जागते हैं, हम सो जाते हैं, वो भी सो जाते हैं, हम भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, उनको भी प्यास लगती है और वो भी पानी पीते हैं। अब समझो, और इसीलिए आगे एक प्रश्न उठाते हैं कि आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद भी क्षुत पिपासादय दृष्टा यथा पूर्व मई चेत। ज्ञान होने के बाद भी जो प्यास लगेगी, भूख लगेगी आपको, तो जो क्षुधा जिसको हम कहते हैं, प्यास हम जिसको कहते हैं, आदि माने क्या है, अगर चाकू लग गया तो वो दर्द होना ही है, पीड़ा होना ही है, खून बहना है। अब समझो, अगर जोर से कुछ लग गया है तो ओह करके हम चीज भी निकाल देंगे, जोर से आवाज करेंगे। अब समझो, तो वो पीड़ा जो है, वो पीड़ा का दर्द जो है, वो भी हम हमारे आवाज के द्वारा, हमारे मुख पर उनकी जो भावना है, पीड़ा जो है वो प्रकट होती है। अब समझो, कोई जोक्स करेगा तो हम हंसेंगे भी से, तो हंसना भी है, रोना भी है, पीड़ा का अनुभव भी है। तो क्षुत पिपासादय माने कि हमारे जीवन में जो जो अनुभव है, भूख है, प्यास है, हंसना है, रोना है, पीड़ा का अनुभव है, शरीर में जो दर्द होता है, वो सब वही का वही यथा पूर्वम, जिस प्रकार पहले था भी है। ऐसा नहीं है ज्ञानी हो गए तो आपको रोग नहीं होगा, डायबिटीज खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसलिए कहते हैं दृष्टा यथा पूर्व मई थी, मुझमें ये क्षुत पिपासा सब दिख ही रहा, तो फिर अपरोक्ष ज्ञान और अज्ञानी में फर्क क्या हो गया, उसमें क्या भेद है, वो तो समान ही हो गए, उसको भी भूख लगती है, उसको भी खाना पड़ता है। इति चेत, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं है। क्यों, मत शब्द वाच्य अहंकार दृश्यताम। आप देखो, जो लोग, एक मिनट,
तो अगर आप कहते हो कि ज्ञानी में भी ये है, सब प्रकार के अनुभव, भूख है, पीड़ा है, सब है, और अज्ञानी में भी, तो विद्यारण्य कहते हैं मत शब्द वाच्य अहंकार। अब देखो आगे जो श्लोक में लिख, आगे की पंक्ति में था ना, मई यथा पूर्व, मुझ में ये सब दिख रहा है, वो पीड़ा भी दिख रही है, भूख भी है, प्यास है। तो विद्यार्ण मुनि कहते हैं ये जो मई शब्द है ना, मुझ में, आप समझो, तो कहते हैं मत शब्द वाच्य अहंकार दृश्यताम, तो वो जो मैं है वो मैं कौन है। अब देखो वो मैं जो मैं, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, आप समझो, तो वो मैं कौन सा है। महर्षि हमेशा कहते थे आपका मैं कहां है। अब देखो मत शब्द जो है ना, मैं शब्द जो है, मैं आई, अब देखो, और इसीलिए महर्षि पूछते थे आप कहां बैठे हो, माने आपका अहम कहां पर है, आपका मैं कहां। अगर आप देह में बैठे हैं तो दर्द है, पीड़ा है, सब है, वो आपके पीड़ा, आपकी पीड़ा हो जाएगी, वो आपका दर्द हो जाएगा। आप प्राण में बैठे हैं तो भूख भी है, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। अब देखो अगर आप मन में बैठे, मन को अहम करके बैठे हैं, मन में अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं, तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, अब देखो मैं विक्षिप्त हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं। अब बुद्धि में अहम करके बैठे हैं तो फिर क्या होगा, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं बुद्धिशाली हूं, मैं विवेकी हूं, मैं अविवेकी हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं मंद हूं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आगे जो कहा ना, यथापूर्व मई दृष्टा, मुझ में दिख रहा है, वो मुझ में नहीं रहेगा, आप समझो, क्योंकि देहादि जो है वो देहादि उपाधि में अपरोक्ष ज्ञान के बाद अहम बुद्धि रहती नहीं है, तो अहम बुद्धि वहां नहीं है, और इसलिए क्या होगा, मत शब्द वाच्य अहंकार दृश्यताम। तो अब जो है ना इति को वदेत, जितने भी ये अनुभव हमारे हैं वो सब उपाधि की दृष्टि से है, और इसलिए वो अहम बुद्धि की निवृत्ति हो गई है, और एक बार अहम बुद्धि की निवृत्ति हो गई तो फिर ये जो अनर्थ जिसको हम कहते हैं, प्रतिकूलता हम जिसको कहते हैं, दुख अशांति जिसको हम कहते हैं, अब सुख कहते हैं, भोग कहते हैं, ये जो सब है वो उपाधि की दृष्टि से है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियाते व्यवर्तन्ते, ये जो भी हो रहा है वो कहां हो रहा है, इंद्रियों इंद्रियों के विषय में ये भोग कर रही है, आप समझो, तो वो उपाधि के स्तर पर है। और जिसको आत्मज्ञान हो गया है, मैं कूटस्थ असंग पूर्ण चैतन्य हूं, तो उनका अहम जो है वो यहां रहता नहीं है, देहादि में उनका अहम नहीं है, और इसीलिए वो ऐसा समझता नहीं मुझे भूख लगी। देखो व्यवहार तो वही रहेगा, वाणी वही रहेगी, आप समझना ठीक से, वाणी तो वही की वही रहेगी, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं विक्षिप्त हूं, तो वाणी वही रहेगी, आप समझना ठीक से। लेकिन जब ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं तो वो ऐसा नहीं कह रहे कि सच्ची में मैं विक्षिप्त हूं, वो जानते हैं कि मेरा मन विक्षिप्त है, वो जानते हैं कि भूख या जो तरस प्यास जो हम कहते हैं वो जो है वो शरीर की दृष्टि से है, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि उनके लिए जो है अहंकार है वो अहम बुद्धि में सब है, मैं नहीं है, आप समझो, जो अहम बुद्धि है वहां पर ये सब है, लेकिन मैं जो कहते हैं जिसको आत्मा हम कहते हैं वो निर्विकारी आत्मा की दृष्टि से है ही नहीं, और इसीलिए ये नहीं है नरेति कहवदे, अब समझो, तो नहीं है ऐसा तो हम कहते ही नहीं, लेकिन उसके कारण उनको अपरोक्ष ज्ञान नहीं है ऐसा क्या आप कह सकते हो, आप समझो। देखो इसीलिए
ज्ञानी और अज्ञानी व्यवहार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वही के वही है। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में जो भेद है वो क्या है? अज्ञानी तुरंत विक्षिप्त हो जाता है और उसी में वो पड़ा रहता है। आगे हम देख के गए, शरीर में बुखार है, फिर उसकी बुद्धि वो बुखार में ही घूमती रहती है, उसी से बाहर निकलती नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है वो ऐसा नहीं मानते, वो बुखार से विक्षिप्त नहीं होते हैं, आप समझो। और इसीलिए नैव किंचित करोमि इति, अब देखो तो इति मत्वा, मत्वा माने क्या है आप समझो, मत्वा माने कि उनके ज्ञान में ये है कि शरीर में बुखार आया है, मुझे बुखार नहीं आया। भूख जो है, प्यास जो है, तो भूख और प्यास जो है वो शरीर की दृष्टि से, उदर की दृष्टि से है, प्राण की दृष्टि से है, आप समझो। और इसीलिए विद्यार्थ मुनि कहते हैं अहंकार की दृष्टि से वाच्यार्थ के रूप में ये सब हो सकता है। मत शब्द वाच्य, मैं शब्द का जो वाच्यार्थ जो उपाधि है उस वो वहां पर रहेगा, लेकिन वो अपने आप पर नहीं लेते हैं। मैं दुखी हूं ऐसा नहीं होता है, जीवन में दुख के प्रसंग होते हैं। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः। दुख तो उनके जीवन में भी है, प्रतिकूलता तो उनके जीवन में भी है। जीवन जीने के लिए सब आवश्यक है, धन भी आवश्यक है, भोजन भी आवश्यक है, घर भी आवश्यक है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो वो उद्विग्न नहीं होते हैं, आप समझो। और जो अज्ञानी है, जो देहादि में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, वो छोटी छोटी बात में भी विक्षिप्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में क्रोध करते हैं, आप समझो, छोटी छोटी बात में वो निराश हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, अपने हिसाब से नहीं होता है तो वो इतने विक्षिप्त रहते हैं और फिर इतना बोलते हैं, आप समझो। ये सब अज्ञानी के लक्षण है, क्यों? क्योंकि वो अपने आप में इतने, ये देहादि में इतने बंधन में पड़े हुए हैं। और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं कि वो जो दिख रहा है वो वाच्यार्थ के रूप में है, लेकिन लक्ष्यार्थ के रूप में नहीं है। मत शब्द वाच्यार्थ है, देह जो है, देह में सब कुछ होता है। और इसीलिए न अहंकार दृश्यताम न इति को वदेत है, कौन कहता है आपको नहीं है? ज्ञानी के जीवन में सब कुछ है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म के अनुरूप वो पाप पुण्य जो उनके जीवन में है वो सब उनके जीवन में भी दिखते हैं। और इसीलिए नहीं है कौन कहता है, सब होता है। प्रारब्ध के अनुसार उनके अहंकार में भी ये सब प्रतीत हो ही रहा है, अब समझो। इसलिए स्वामी जी कहते थे अगर दुख है और दुख में रोते रोते भी अगर आप कह सकते हो कि मैं असंग चैतन्य हूं, क्योंकि रोने वाला मन है, आप नहीं रो रहे हो, आप तो वो रोने वाले मन का साक्षी चैतन्य हो, अब समझो। मन दुखी हो सकता है लेकिन दुखी मन का साक्षी आप हो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये मन में है सब, मुझ में नहीं है, अब समझो। तो ज्ञानी वो है, स्थित प्रज्ञ वो है जो कभी भी ये जो जितनी भी वस्तु है, जितने भी अनुभव है, वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, अब समझो। और इसीलिए कहते हैं कौन नहीं कहता है, सब है। विद्यार्थ मुनि प्रश्न करते नेति कह वदेत, ज्ञानी को भी सब होता है लेकिन वो अपने आप पर नहीं, मत शब्द वाच्य लक्ष्य पर नहीं, अहम शब्द जो है, मत शब्द जो है, वो मैं शब्द जो है, मैं शब्द के वाच्य जो उपाधि है उसमें है, लेकिन लक्ष्य जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसमें नहीं है, आप समझ, उतना भी नहीं,
ज्ञान के बाद अगर वो दुखी भी होते हैं तो जो उनका ज्ञान है वो ज्ञान उन ज्ञान में कोई नुकसान नहीं होता है। अब समझो ये ठीक से, एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान वापस आने वाला नहीं है, और एक बार ज्ञान हो गया वो जाने वाला नहीं है। अब समझो, और इसीलिए जो उनका अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान को कोई हानि नहीं होती है। मन से कितना भी कुछ होता है, मन सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। इसलिए चौदहवें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन ने पूछा किंग लिंग ही गुणातीत, ये गुणातीत के लिंग क्या है, तो भगवान बहुत स्पष्ट रूप में एक ही श्लोक में कह देते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। मन में प्रकाशम माने की सात्विक वृत्ति है, प्रवृत्ति है तो माने राजसिक वृत्ति है, मोहमेव च तामसिक वृत्ति है। अब सम न द्वेष्टि प्रवृत्तानि निवृत्तानि च न कांक्षति। अगर मन में मोह वृत्ति भी आ गई, तामसिक वृत्ति भी आ गई, तो उनके प्रति द्वेष नहीं, आप देखो प्रवृत्तानि न द्वेष्टि, उनके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं होती है। मेरा मन तामसिक क्यों हो गया, नहीं, मन तामसिक है, मैं तो असंग चैतन्य हूं। आप समझो प्रवृत्तानि न कांक्ष निवृत्तानि न कांक्षति, ये मोह अगर आ गया तो उनकी निवृत्ति की इच्छा नहीं करते हो, और सात्विक वृत्ति की प्रवृत्ति हो ऐसी इच्छा भी नहीं करते। कितनी भी प्रवृत्ति हो जाए, कितने भी प्रकार की गुण की प्रवृत्ति होती रहती है, उनके प्रति उनको द्वेष भी नहीं है, और तामसिक आदि जो गुण है वो गुण की प्रवृत्ति होती, उनकी निवृत्ति की इच्छा भी नहीं करते। प्रवृत्ति का ये प्रवृत्ति प्रत्यय द्वेष भी नहीं है एवं निवृत्ति की इच्छा भी नहीं करते। अब समझो न द्वेष्टि प्रवृत्तानि निवृत्तानि च न कांक्षति, क्योंकि ये जो सब है मनोगतान मन में है। अब समझो जो कुछ भी हो रहा है वो मन के स्तर पर हो रहा है और मैं मन नहीं हूं। अन्योन्तरात्मा विज्ञानमय है, ये तो मनोमय कोश है, मैं मनोमय कोश नहीं हूं। आप समझे, और इसलिए विद्यार्थ मुनि कहते हैं कि अहंकार की दृष्टि से सब है, लेकिन न दृश्यताम न इति को वदेत, वो नहीं है ज्ञानी के जीवन में, ये सब नहीं है। कौन कहता है कि उसके जीवन में नहीं, उसके जीवन में भी सब होता है। आप समझो सफलता भी उनके जीवन में होती है, निष्फलता भी उनके जीवन में होती है, लाभ भी होता है अलाभ भी होता है, लेकिन लाभ से वो प्रसन्न नहीं हो जाते हैं, अलाभ से वो दुखी नहीं होते हैं। और इसलिए विद्यार्थ मुनि कहते हैं कि नहीं है ऐसा कोई कहते ही नहीं है, लेकिन वो जो दिख रहा है वो भले दिखते रहे, उनको कोई नुकसान हानि नहीं है, उनके ज्ञान पर कोई हानि नहीं है। आप समझो बहुत सारे लोग को ऐसा रहता है, एक बार ज्ञान हो जाएगा सब आनंद ही आनंद रहेगा, कुछ आनंद नहीं रहेगा। आप समझना, प्रारब्ध में जो है वो तो आके ही रहेगा आपके सामने, जो छूटना है वो छूटना ही है, आप समझ, जो मिलना है वो मिलना ही है। और इसीलिए विद्यार्थ मुनि कहते हैं कौन कहता है कि नहीं है, है सब, लेकिन प्रारब्ध कर्म से है और वो समझते हैं मुझ में ये कुछ नहीं है। अहम शब्द के वाच्य जो उपाधि है वो उपाधि के स्तर पर सब है, लेकिन अहम शब्द का जो लक्ष्यार्थ जो है सच्चिदानंद ब्रह्म मैं हूं, एक बार ये दृढ़ निश्चय हो गया फिर कुछ भी जीवन में होता रहेगा। नहीं होता ऐसा मत मान, और इसलिए कहते हैं उनको उनके जो ज्ञान की जो निष्ठा है वो निष्ठा में किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं होती है, और नहीं होता ऐसा भी मत मानना। लेकिन पहले मैं भूख जो थी वो भूख में अहम बुद्धि करके बैठते हैं और इतनी विक्षिप्त तो हो जाते थे, अब भूख लगी है मिला। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं आजकल जो ये ऋषिकेश में आश्रम है सब फाइव स्टार आश्रम है, आप समझो,
पहले सब ऐसे ही झोपड़ी बना के रहते थे, भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आज एकादशी है। अब समझो, भोजन मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो वो विक्षिप्त नहीं होते, वो ठीक है। और वैसे भी अगर देखो तो एक दिन भोजन नहीं खा करेंगे तो कोई दुखी नहीं हो जाता। अब समझो, और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं नहीं है ऐसा कौन कहता है, सब है। इसलिए मैंने कल भी कहा कि ज्ञानी और अज्ञानी में अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो कोई भेद नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे शिष्य होते हैं, उसको ऐसा ही लगता है ये तो हमारे जैसे ही है। देखो एक महात्मा की कथा है, बहुत विद्वान थे लेकिन बहुत सादगी से रहते थे, बहुत सीधे साध, और सत्संग भी बहुत करते थे। तो एक बार एक नगर में वो गए, आमंत्रण मिला सत्संग कराने के लिए, और चतुर्मास के लिए वो वहां गए। अब राजा को पता चला कि बहुत बड़े विद्वान है, सन्यासी है, महात्मा है, वो आए हैं नगर में। तो बोले कि मुझे भी सत्संग करना है। अब राजा वो जो जहां बैठ के सत्संग करते थे वहां जा नहीं सकते, फिर भी एक दो दिन क्या कर दिया, गुप्त वेश धारण करके वो वहां सुनने जाते थे। दो तीन दिन ऐसे गुप्त वेश में गए और सत्संग सुना, राजा को बहुत पसंद आ गया, बहुत सुंदर करते थे वो प्रवचन। तो राजा ने सोचा कि ये इतना सुंदर प्रवचन करते हैं, मुझे भी हर रोज सुनना है, हमारी रानी है, हमारे राजकुमार है, सबको ये सत्संग करना चाहिए। तो राजा ने वो प्रधान जो था, प्रधान को बोल दिया, अब ऐसा करो एक विशाल मंडप तैयार कर दो जहां सब लोग आ सकते हैं, और हम लोग भी वहां बैठ के हम लोग भी सब सत्संग कर सकते हैं, आप ऐसी व्यवस्था कर दो। और तुरंत ऐसी व्यवस्था हो गई। फिर वो राजा जो थे वो महात्मा को मिलने गए और महात्मा से बात किया कि देखो हम भी हैं, हमारा भी राज परिवार है, और हम लोग भी सत्संग करना चाहते हैं, लेकिन यहां हम बैठ के नहीं कर सकते, सुरक्षा का प्रश्न होता है, मर्यादा की प्रश्न होता है, तो हमने एक व्यवस्था बनाई है, हमारा बड़ा उद्यान है, वो उद्यान में हमने सब व्यवस्था करके रखी है, सब जो प्रजा है वो प्रजा भी आ सकती है, हम जो राज परिवार है वो भी वहां बैठेंगे, हम साथ में सत्संग करेंगे, तो आप वहां आइए। अब तुम आज बोला ठीक है चलो मुझे बताओ कैसा है। वो गए, बड़ा सा उद्यान था, बहुत सारे वृक्ष भी थे। तो महात्मा ने सोचा ठीक है आपको यहां सत्संग करना है, आप यहां करेंगे, आप लोग भी, राज परिवार भी यहां बैठेंगे, प्रजा भी यहां बैठेगी, सब सत्संग साथ में करेंगे। अब हुआ ऐसा कि लोगों ने सुना राजा भी सत्संग करने आए हैं महात्मा का, तो महात्मा का नाम बढ़ गया, तो बहुत सारे लोग सत्संग में आने लगे। तो महात्मा हर रोज चल के वहां जाते थे, सत्संग करके वापस आ जाते थे। फिर एक दिन राजा ने कहा कि ऐसा करते हैं मैं आपके लिए रथ भेजता हूं। तो महात्मा ने बोला कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे चल के आ जाऊंगा। अब बारिश के दिन आ गए, तो बहुत बारिश होती थी, तो लोग बैठे कैसे बारिश में, और महात्मा को बारिश में चल के वहां जाना है। तो राजा ने कहा कि ऐसा करते हैं महात्मा कि हमारा बड़ा सा महल है, बड़ा सा वहां ये राजभवन है, और हमारा दरबार भी बहुत बड़ा है, सब लोग वहां बैठेंगे, अंदर बैठ के करते हैं, और हमारे राजभवन के साथ अतिथि भवन भी है, आप अतिथि भवन में आ जाइए, तो ये कीचड़ में चल के आपको आना वापस जाना ये बहुत दिक्कत रहती है, आपको भी कठिनाई रहेगी, तो आप ऐसा करो हमारे अतिथि भवन में आ जाओ, उसके ही पास में, उसके समीप में ही ये बड़ा सा राजभवन है, वहां सब लोग बैठ के सत्संग करेंगे।
और महात्मा ने सोचा इतने सारे लोग आ रहे हैं और इतने सारी वर्षा हो रही है और वर्षा के कारण लोगों को सत्संग नहीं आ सकता है, तो अच्छा है कि राजभवन में करेंगे। तो बोला ठीक है, तो वो चले गए वहां अतिथि भवन में। अब राजा के अतिथि भवन में है तो फिर जो लोग उनके लिए भिक्षा लेके आते थे अब बंद हो गए। राजा ने बोला नहीं, हमारे यहां से ही आपकी भिक्षा हो जाएगी। महात्मा ने बोला ठीक है। अब देख, वर्षा के दिन थे तो ऐसे ही चार मास ऐसे ही हो गए और सबको आनंद आता था और महात्मा भी आनंद से रहते थे। वो अपने सत्संग भी करते थे, कोई प्रश्न पूछने आते थे तो उनको भी साथ कुछ सत्संग कर लेते। ऐसे करके चार पांच मास निकल गए। अब वर्षा के दिन समाप्त हो गए, शीतकालीन शुरू हुआ और सबको सत्संग में इतना आनंद आता था तो सबने कह दिया महात्मा आप यहां ही रहो, आप कहीं पर मत जाइए, हमें सत्संग करवाते रहो, हमारे बच्चे को भी थोड़ा सत्संग करो, हमारे बच्चे को भी भक्ति धर्म सिखाओ। तो वो बच्चे लोग के लिए भी कुछ करते थे। अब अतिथि भवन में रहते थे और राजा के यहां से भोजन आता था। तो जब वर्षा के दिन समाप्त हो गए तो महात्मा ऐसे चलने जाते थे। फिर राजा ने सोचा मैं भी महात्मा के साथ जाता हूं, तो वो भी जाते थे। अब राजा ने क्या सोचा, देखो ये बहुत समझने की बात है। अब राजा ने सोचा कि हम जैसे रहते हैं वैसे ये भी रहते हैं, हम भी राजभवन में रहते हैं, ये अतिथि भवन में भी आराम से रहते हैं, उनको भी हर रोज ये खिलाओ वो खिलाओ। तो एक दिन बात बात में वो बोल पड़े, महात्मा जी आपका जो जीवन है हमारे जीवन में क्या फर्क है, एक ही है, हम भी ये खाते हैं आप भी ये खाते हो, हम भी सो जाते हैं आप भी सो जाते हो, आपको और क्या करना है। अब महात्मा कुछ बोले नहीं, सुन लिया। शास्त्र में लिखा है अति परिचय अनादर से कारण, किसी के अगर बहुत नजदीक आप जाते हैं तो वो कभी न कभी आपका अनादर अवश्य करेंगे। आप समझो ये ठीक से। तो एक बार अनादर हुआ, दूसरी बार हुआ, महात्मा ने देख लिया कि राजा ये सोच रहा है कि मैंने ये सब व्यवस्था करके रखी इसलिए महात्मा आराम से रहते हैं, और महात्मा को और कुछ करना क्या, सत्संग करना है और क्या करना है, हम लोग हैं जो इतना काम करते पूरा राज्य हम संभाल रहे हैं। तो महात्मा समझ गए कि राजा की बुद्धि में यह आ गया है, कुछ बोले नहीं, जैसे चलता था वैसे चलता रहता। अब एक दिन ऐसा हुआ कि थोड़ा महात्मा ने बोला हम थोड़ा लंबा चलेंगे, चलो। तो चल गए, चार पांच बजे जो सत्संग होता है सत्संग के बाद चलने निकल पड़े। अब चलते रहे चलते रहे चलते रहे, वो जंगल आ गए, अरण्य आ गया। तो महात्मा ने बोला चलो, तो वो राजा जो था वह रुक गया, महात्मा आगे निकल गए। पर महात्मा ने बोला अरे वहां क्यों रुक गए, आ जाओ चलो। तो बोले नहीं 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 हम आगे नहीं जाएंगे। तो महात्मा ने बोला आगे क्यों नहीं जाना है, आप डरते क्यों, कोई नहीं यहां कुछ नहीं, आप चलो। बोला नहीं नहीं ये हमारे राज्य की मर्यादा है, ये राज्य की सीमा है, यहां पर यहां से आगे हम नहीं जा सकते, और इसलिए आप भी वापस आ जाओ, हम वापस चलते हैं, चलना ही है ना, तो आगे जाओ पीछे जाओ क्या फर्क है, आप आ जाओ। महात्मा बोला ठीक है, ये आपकी मर्यादा है, हम महात्मा है हमारी कोई मर्यादा नहीं, हम जाते हैं चल पड़े। अब राजा बहुत विनंती करने लगे, नहीं नहीं महात्मा आप ऐसा मत करो। बोला नहीं मेरा समय हो गया जाने का, मैं जा रहा, मुझे कोई मर्यादा नहीं, आपको मर्यादा है, आप रहो अपने राज्य में, मैं चलता हूं।
जीवन समान ही लगेगा, लेकिन महात्मा वो है वो चलते पड़ते। आप समझो बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होते वो संसारी लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, ऐसा क्यों करना है? आप समझो महात्मा के जीवन में कुछ भी हो जाए वो चल पड़े। आप समझो ये ठीक से। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जीवन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, उपाधि की दृष्टि से आप देखेंगे तो वो समान ही दिखेंगे, लेकिन उनकी जो आंतरिक स्वतंत्रता जो है, आप समझो, भोग पर उनकी पराधीनता नहीं है, धन पर उनकी पराधीनता नहीं है, आंतरिक रूप से देखो। इसलिए जैसे हम प्रकरण पढ़ते हैं, प्रकरण ग्रंथ, आत्मबोध है, तत्व बोध है, दृग्दशी है, पंचदशी है, इसी प्रकार से सिद्धि ग्रंथ होते हैं, हम देख के गए भी। तो चार प्रकार के सिद्धि ग्रंथ है। एक नैष्कर्म्य सिद्धि है, शंकराचार्य जी के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा। दूसरा मधुसूदनाचार्य जी ने अद्वैत सिद्धि ग्रंथ लिखा। देखो आपको यह लगता है नहीं तो सब एक अद्वितीय, लेकिन अद्वैत माने क्या? उसी प्रकार से इष्ट सिद्धि है। और चौथा जो है, चौथा जो सिद्धि ग्रंथ है उसको कहते हैं स्वराज्य सिद्धि। स्वराज्य सिद्धि माने कि वो स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं है। अब समझ, बाह्य दृष्टि से तो सब पराधीन है। अब समझो इस जगत में उपाधि की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो कोई स्वतंत्र नहीं है। आपके पास कितना भी धन हो फिर भी पराधीनता है आपकी। क्यों? दूध वाला आज दूध नहीं लाया, अब देख आज सब्जी वाला नहीं आया, ये सब पराधीनता है। ये सबके ऊपर हमें पराधीन रहना पड़ता है। कोई हमारे लिए सब्जी लाएंगे, कोई हमारे लिए रसोई करेंगे, कोई हमारे लिए कपड़ा करेंगे, आप देख। तो उपाधि की दृष्टि से तो पराधीनता ही है, कोई स्वतंत्र नहीं है। वो मेरा एक चाय का एक कप याद रखना है आपको, एक कप चाय सुबह आपको चाहिए, इनके लिए क्या क्या पराधीनता है आपकी? आप समझ। लेकिन आंतरिक रूप से वो स्वतंत्र, आत्मनियव आत्मना तुष्ट है, वो अपने आप में ही प्रसन्न है। और इसीलिए बाह्य भोग के द्वारा मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी किसी भी प्रकार की पराधीनता उनके जीवन में नहीं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि न इति को वदेत, नहीं है उनके जीवन में भी सब है, लेकिन वो कहां पर है? मत शब्द वाच्य अहंकार है। आप देखो उपाधि की दृष्टि से सब है, लेकिन उनके ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कोई पराधीनता नहीं है। आप समझो ये ठीक से। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कौन कहता है नहीं है, सब है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से उनकी जो स्वतंत्रता है, स्वराज्य सिद्धि उसको कहते, वो जो स्वतंत्रता है उनकी वो हमें समझना है। ज्ञान के द्वारा आपको जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है ना, कोई पराधीनता नहीं है। स्वामी जी भी हमेशा कहते थे कि मुझे भी कहीं जाना है तो मुझे बोलना पड़ेगा किसी को, चलो मुझे ले जाओ, किसी को मुझे बोलना पड़ेगा मेरे लिए भोजन बनाओ, किसी को कहना पड़ेगा मेरे कपड़े धोने हैं, तो ये पराधीनता स्वामी जी कहते थे वो तो मेरी भी है, मैं ऐसे ही चल के नहीं जा सकता हूं, किसी को बोलना पड़ेगा चलो मेरी गाड़ी चलाओ, मेरे लिए गाड़ी ले आओ, चलाओ गाड़ी। तो बाह्य दृष्टि से तो सब प्रकार की पराधीनता है ही, को न कोई थी को वे। विद्यारण्य मुनि कहते हैं कौन कहता है कि ये नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से कोई परतंत्रता की भावना नहीं रहती है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं, मुझे सुखी नहीं होना है, मैं सुख स्वरूप हूं। आप सब
मैं एक अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये ज्ञान के कारण आंतरिक रूप से कोई पराधीनता नहीं। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं प्रारब्ध की दृष्टि से सब दिखता है, और इतना भी नहीं, मन में भी दुख हो सकता है, मन में भी क्रोध हो सकता है, मन में भी काम हो सकता है। हम आगे देखेंगे पांचवें अध्याय में, इसलिए भगवान कहते हैं शक्नोति यशोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, ये शरीर छूटने की अगले क्षण तक, प्राक शरीर विमोक्षण, ये शरीर छूट जाता है विमोक्ष, उसके अगले क्षण तक काम क्रोधोद्भवम वेगम शक्नोति हस्तोढुम, जो सहन करने के लिए समर्थ है, कामादि जो क्रोध का जो वेग है उनको जो सहन कर लेता है, सयुक्त ससुखी न रह, वही युक्त है। आप समझो उनके मन में भी ये सब भावना ये सब आता है, लेकिन ये सबको वो सहन कर लेता है, उनके अधीन नहीं होते, राग द्वेष के अधीन वो नहीं होते। आप समझे राग द्वेष की पूर्ति से ही मुझे सुख मिलेगा ऐसा नहीं है, उनके विचार के अनुरूप हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। देखो इसलिए स्वामी जी हमें हमेशा कहते थे आप आयोजन करो, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको बदलना पड़े तो बदल दो आपका आयोजन, लेकिन अगर आप पकड़ के बैठेंगे नहीं ऐसा ही होना चाहिए तो आप दुखी हो जाएंगे। आपके सामने जो परिस्थिति है वो परिस्थिति के अनुरूप अगर आपको आयोजन के बदलने की आवश्यकता पड़ती है, आपके निश्चय को बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो आप बदल दो। आप समझे, लेकिन जो अपने निश्चय को बदलते नहीं है वो पकड़ के बैठते हैं, क्योंकि उनकी पराधीनता है वहां पर, ज्ञानी की कोई पराधीनता नहीं है, बदल गया तो बदल गया ठीक है। अब समझो, और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि उनके जीवन में भी जो हमारे जीवन में वही उनके भी जीवन में है, लेकिन वो उनकी जो आंतरिक स्वतंत्रता है जिसके कारण वो कहीं पर कुछ भी पकड़ के नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं। देखो इसलिए सन्यासी के जीवन में एक मंत्र होता है आगते स्वागतम कुर्य, जो हमारे जीवन में बनता है उसका स्वागत करो, प्रेम से स्वीकार करो। गच्छन्तम् न निवारेत, जो छूट रहा है उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको उनका निवारण करने की आवश्यकता नहीं है, उसको जाने दो। आता है तो प्रेम से स्वागत करो, जा रहा है तो उसको जाने दो, फिर वो व्यक्ति है देश है काल है कुछ भी है। अब सब कोई विरोध नहीं है किसी भी प्रकार की, जीवन की जो परिस्थिति है वो संजोग जो है उनका कभी भी, जो ज्ञानी लोग है वो कभी विरोध नहीं करते, और इसीलिए विरोध नहीं होने के कारण क्रोधादि भी उनके मन में नहीं आता है, निराशा भी उनके मन में नहीं होती। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं न इति को वदेत, उनके जीवन में भी ये सब होता है लेकिन वो कभी भी विक्षिप्त नहीं होते हैं, आग्रह नहीं करते। आगे चिद्रूपे प्रसज्येरन, चिद्रूपेपि प्रसज्येरन तादात्म्यात् अध्यासतो यदि, तादात्म्यात् अध्यासतो यदि माध्यासं कुरु किं तु त्वं, माध्यासं कुरु किं तु त्वं, विवेकं कुरु सर्वदा, विवेकं कुरु सर्वदा। बहुत सुंदर है कि आप जो कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र है उनका मन उद्विग्न नहीं होगा, तो अगर किसी कारण उनका मन हो गया उद्विग्न, अगर आपका मन उद्विग्न होता है तो उससे छूटने का भी उपाय होता है। आप समझो ठीक से, ज्ञान के बाद भी ये संभावना रहती है, और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं तादात्म्य अध्यासतः यदि चिद्रूपेपि, आप असंग चैतन्य स्वरूप है फिर भी प्रसज्जेरन मानी एक संभावना है, होता है अगर उनका मन उद्विग्न हो गया, उनका मन निराश हो गया, आप समझो,
वो जानता है मैं असंग चैतन्य हूं, फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है प्रसज्ज मनी ऐसी एक संभावना दर्शाता है। यदि प्रसज्ज यदि ऐसा हो जाता है तो उससे छूटना है, तो उससे वो कैसे छूट जाएंगे। और जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, तादात्म्य अध्यासत है, जो तादात्म्य होता है देहादि में तादात्म्य हो जाता है, अहम बुद्धि कर देते हैं। आप देखो अध्यास के कारण भी हो जाता है, देहादि में तादात्म्य होता है और बाह्य जगत में अध्यास सुखादि का अध्यास होता है, दोनों होना चाहिए। आप समझो उपाधि की दृष्टि से जो है वो तादात्म्यपन हो जाता है, अहम बुद्धि आ जाती है, जन्मो जन्म के जो संस्कार है संस्कार के कारण उसको भी देहादि में अहम बुद्धि हो सकती है, या तो फिर बाह्य जगत में कहीं ना कहीं अध्यास शोभना अध्यास इसको कहते हैं, वो भी हो सकता है, उसको भी कहीं ना कहीं सुख बुद्धि दिखेगी। आप समझ, और इसलिए कहते हैं यदि तादात्म्य अध्यासतः, तादात्म्य उपाधि में अहम बुद्धि तादात्म्यपन है, बाह्य जगत में शोभना अध्यास के कारण अगर ये होता है प्रसज्जेरन, अगर ऐसा हो जाता है तो करना क्या है, त्वम विवेकम कुरु सर्वदा, विवेक करो सर्वदा, ये विवेक करते रहो, मा कुरु अध्यासम, ये अध्यास से छूट जाइए, माने कि अभ्यास करते रहे, विवेक अभ्यास विवेक विचार की आवश्यकता है, अगर हमारे विवेक जागृत है तो ये अध्यास से हम तुरंत छूट जाएंगे। आप समझ, प्रारब्ध कर्म के कारण पूर्व जन्म के संस्कार के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर हो भी गया तो विवेक जागृत करते हैं तो ये छूट जाता है, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं मा कुरु अध्यासम किंतु त्वम विवेकम कुरु सर्वदा, विवेक करके अपने आप को पृथक कर देना है। अध्यास भी हो, देखो दृश्य विवेक में बहुत सुंदर यह चर्चा है, ये अध्यास भी तीन प्रकार के, सहज अध्यास भी है, कर्मज अध्यास भी है, कर्म के कारण भी अध्यास हो सकता है, और ये शरीर में जब जन्म हुआ है तो सहज जन्मना सहजायते इति सहज, जन्म से ही हमारा ये शरीर में अध्यास होता है, अहम भाव होता है, आप समझो, और जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ये अहम बुद्धि भी रहेगी, ये सहज अध्यास है, आप समझो, और इसलिए तीन प्रकार के अध्यास दर्शा, सहज अध्यास है, भ्रांति जन्य अध्यास है और कर्म जन्य अध्यास है, आप समझो। तो जो सहज अध्यास है वो रहेगा, जिसके कारण ये व्यवहार होता रहेगा, मुझे भूख लगी है, मुझे जाना है, मुझे आना है, ये व्यवहार होता रहेगा सहज अध्यास, और कर्म के कारण भी कर्मजन्य अध्यास है, प्रारब्ध कर्म से जो है वो प्रारब्ध कर्म से अगर माता के प्रति प्रेम है तो वो रहेगा, प्रारब्ध कर्म से ये माता है, प्रारब्ध कर्म से है ये, लेकिन भ्रांतिजन्य अध्यास है, जो भ्रांति के कारण अविवेक के कारण मोह के कारण जो अध्यास हुआ है उनकी निवृत्ति हो जाती है, और एक बार भ्रांति जन्य अध्यास नहीं है तो ये सहज अध्यास भी जो है वो उसे दुखी नहीं करते, आप समझो। और इसीलिए कर्म के कारण या अध्यास जो है या तो वो सहज है, कभी हो जाता है, तो करना क्या है, सर्वदा विवेकम कुरु, सतत विवेक। देखो इसलिए जो सावधान है वही साधक है, सावधान रहना पड़ता है, इसलिए स्वामी जी कहते हैं तीन प्रकार से हमारा जीवन हम व्यतीत करते हैं। देखो ठीक से सुनोगे, एक जो होता है आवेशात्मक हमारा जीवन होता है, इंपल्सिव, भूख लगी खा लिया,
आइसक्रीम खाने का मन होगा, आइसक्रीम खा लिया। मन में जो आता है वो करते रहते, आवेशात्मक कहते हैं, इंपल्सिव कहते हैं। दूसरे जो है डेलिबरेट, विवेक पूर्वक, डेलिबरेट माने कि विवेक पूर्वक जो करता है, सर्वदा विवेकम करो, डेलिबरेट माने कि विचार पूर्वक विवेक पूर्वक वो काम करेगा, कर्म करते हैं, भोग करते हैं, जो भी करना है उसके पीछे विचार रहता है, विवेक रहता है, माने उसका विवेक जागृत रहता है। भूख लगी तो खा ही लेना ऐसा नहीं, आवश्यक है तो खा लेते हैं, और पसंद आ गया तो दो चार और ले लेना, नहीं, उसको कहते हैं डेलिबरेट, यानी कि विचार विवेक पूर्वक जो जीवन बिताते उसको डेलिबरेट कहते हैं। लेकिन एक बार ज्ञान हो गया तो उनके लिए क्या है आप समझो, एक इंपल्सिव है, दूसरा डेलिबरेट है, तीसरा जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस माने बहुत सहज होता है, त्याग करना भी बहुत सहज होता है, दुख नहीं होता है। इसलिए मैंने आगे कहा आयोजन तो करना है, लेकिन आयोजन करते करते ऐसी कोई संभावना हो गई कि पूरा आयोजन ही बदलना पड़े, अब बदल दो, तो वो बदलने में उनको दुख नहीं होगा, बहुत सहजता से वो बदल देते हैं। अब स्पॉन्टेनियस मानी कि विचार करने की आवश्यकता रहती नहीं, बहुत सहजता से वो धर्मयुक्त जीवन जीते हैं, बहुत सहजता से वो त्याग कर सकते हैं, आप समझे। और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं कि अगर हमारे संस्कार, हमारी वासना पूर्व जन्म के संस्कार के कारण अभी हो भी गया तादात्म्य, हो भी गया अध्यास, तो उससे छूट जाना, सर्वदा विवेकम कुरु, आप समझो। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते कि हमारा जीवन डेलिबरेट ही होना चाहिए, आप कुछ भी करो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, हेतु सहित होना चाहिए, उसके पीछे विचार होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, हेतु होना चाहिए, आप कुछ भी करो, मन में आए ऐसे कर देना, ऐसा नहीं, आप समझो। तो उनके जीवन में एक सहजता रहती है, वो सहजता ऐसी होती है वो किसी भी आवेश के आवेश में वो आते ही नहीं है, आप समझे। और इसलिए विद्यार्थी कहते हैं त्वम विवेकम कुरु सर्वदा, आप सर्वदा सदा सर्वदा विवेक अपना जागृत रखो। आप देखो ये विवेक जागृत रखना माने कि सो गए हैं तभी भी विवेक जागृत रहता है, ऐसा नहीं सो गए सब ऐसा नहीं। हम व्याकरण जब पढ़ते थे, पाणिनि मुनि का व्याकरण जब पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, तो सिद्ध बोधानंद जी जो हमारे हमको व्याकरण पढ़ाते थे, वो आचार्य हमको हमेशा कहते थे कि ये सब आपके लिए बहुत सहज हो जाना चाहिए, वो इतना सहज हो जाना चाहिए कि रात को 2 बजे नींद से अगर उठा के भी कोई पूछे तो आपके पास वो उत्तर होना चाहिए, उतनी सहजता आप में आनी चाहिए। बहुत सारे ये आचार्य लोग, हाँ कल मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, ये आचार्य नहीं, आप समझो, प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर होना चाहिए आपके पास। हमें हमेशा कहते पाणिनि मुनि के व्याकरण भी पढ़ते थे, बोले कि ये व्याकरण भी इतना सहज हो जाना चाहिए कि कोई प्रश्न पूछे तो तुरंत आपको जवाब उत्तर उनका होना चाहिए, वो पुस्तक में देखना है कौन से पन्ने पर है ये नहीं, आप सब। और इसीलिए ज्ञानी का जो जीवन होता है बिल्कुल स्पॉन्टेनियस सहज जीवन है, उनके अधर्म की कोई आवश्यकता है ही नहीं उनके लिए, भोग भी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, यही चाहिए मुझे या नहीं चाहिए नहीं। और इसीलिए जो संसारी जो है वो आवेशात्मक जीवन जीते हैं, जो साधक है वो डेलिबरेट माने कि विवेक पूर्वक का जीवन जी रहे हैं,
और जो ज्ञानी है उनका जीवन बिल्कुल सहज होता है। और इसीलिए विवेकम कुरु सर्वदा, सतत ये विवेक हमारा जागृत रहना चाहिए। ज्ञान के बाद भी ये विवेक जागृत रहना, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये शरीर छूटे उनके अगले क्षण तक हमारी दृढ़ता रहनी चाहिए, स्थिति रहनी चाहिए। क्योंकि प्रारब्ध कर्म हमें कहां से कहां ले जाएंगे हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग भी क्या करते हैं, देखो कई साधक लोग मैंने देखे एक वस्तु को ऐसे पकड़ के रखते हैं ना, फिर उसी में वो घूमते रहते हैं। मैं कई बार उनको सीधा या बोल देती हूँ कि छोड़ दो ये, लेकिन छूटता नहीं है उनसे, आदत बन जाती है। अब समझो ये, अगर छूट रहा है तो उसको छोड़ दो, लेकिन वो ऐसे पकड़ के बैठते हैं तो वो भी दुखी होते हैं, आसपास के लोग को भी वो दुखी करते हैं। हमें एक प्रकार के जीवन जीने की आदत बन जाती है, फिर उसी प्रकार से हम जीने का सोच रहते हैं। फिर अगर कोई बदलाव करने का आता है ना तो वो इतने डर जाते हैं, इतने असुरक्षित हो जाते हैं, नहीं नहीं ये बंद कर देंगे हम क्या करेंगे, अरे बहुत कुछ करना है, शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, जप करो, तप करो, बहुत कुछ करना है। आप समझो, स्वामी जी हमेशा कहते कि लोगों को निवृत्त कैसे होना है वो आता ही नहीं है। जो वानप्रस्थ आश्रम जो है ना, वो निवृत्ति कैसे करना है, वो निवृत्ति करना है हमें, छोड़ना है तो छोड़ दो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आप समझो ये सब। और इसीलिए विवेकम सर्वदा कुरु, विवेक करो आप, छूट रहा है तो छोड़ दो। आप समझो, वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको एक आदत बन गई है, एक जीवन पद्धति उनकी बन गई है, वो दूसरे प्रकार की जीवन पद्धति जीने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर विवेक जागृत है तो हम ये सब स्वीकार सकते हैं और दूसरे प्रकार से भी हम जी सकते हैं। आप समझो, ये संपूर्ण जगत में हरेक प्रकार की संभावना है, पोटेंशियलिटी जिसको कहते हैं, बहुत सारी संभावना है, बहुत सारे विकल्प हमारे सामने है। भगवान ने हमको ये स्वतंत्र संकल्प शक्ति दी है जिससे हम अन्य प्रकार के विकल्प भी सोच सकते हैं। जो लोग अन्य प्रकार के विकल्प सोचते हैं और वो विकल्प से आगे चलते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, लेकिन जो विकल्प को सामने विकल्प आता है लेकिन वो विकल्प को स्वीकार नहीं करते हैं और बैठे रहते वो दुखी रहते हैं। आप समझो ये सब। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं हमारा विवेक जागृत रहना चाहिए, अगर आवश्यकता है छोड़ना छोड़ दो, पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपके जीवन में आए वो स्वीकार करो, आप उसका विरोध मत करो, और इसके लिए विवेक जागृत होना चाहिए। और इसलिए विद्यार्थी मिलते कहते हैं सदा सर्वदा कुरु विवेकम मा कुरु अध्यास, किसी भी प्रकार से कोई अध्यास करने की आवश्यकता नहीं, यही ठीक है, यही सुख है, यही दुख है, नहीं कोई अध्यास नहीं करना है, कोई तादात्म्यपन नहीं करना है, और सतत विवेक जागृत करना है। इस प्रकार से अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हमारा जीवन बहुत सहज हो जाता है, फिर उनके जीवन में जो भी कुछ होता है वो स्वीकार कर सकते हैं, उनके मन में कोई विरोध, कोई आग्रह, कोई आक्रोश हो नहीं होता है, कोई दोषारोपण है इसके कारण ऐसा हो नहीं, कोई दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं। आप समझो, जहां पर भी अस्वीकार होगा ना वहां ये चार बात आ जाती, एक तो आग्रह हो जाता है, आप समझो आग्रह हो जाता है, या फिर आक्रोश होता है, क्रोध होता है, और दोषारोपण होता है।
किसी के ऊपर कोई दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आक्रोश करने की आवश्यकता। छूट रहा है तो छोड़ दो, आप समझो, और जो सामने आ रहा है उसे स्वीकार कर लो, विरोध मत करो। आप पूज्य स्वामी जी, हमने महीनों तक स्वामी जी ने हमें स्वीकार का अध्ययन ध्यान करवाया था, एक्सेप्टेंस मेडिटेशन। जितना आप स्वीकार करते रहोगे उतने ही मन में संघर्ष कम रहेगा, मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और आप अच्छी तरह तत्व चिंतन कर सकते हो, जप कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं सर्वदा विवेकम कुरु, सर्वदा हमारा विवेक जागृत रहना चाहिए। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी, देशो यंक्षोभरहितः, ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।